आज हम बात करेंगे कैसे छात्र नेताओं के बारे में जिनका संघर्ष डॉक्टर लोहिया के आंदोलन से लेकर संघ परिवार और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। मैं आपका होस्ट मिस्टर फरहान खान। आज हम बात करेंगे मिस्टर सुशील मोदी के बारे में जो बिहार के कद्दावर बीजेपी के नेता और बीजेपी के बिहार अध्यक्ष रहे। तो ये कहानी है उनके इंटरकास्ट मैरिज की। मिस्टर सुशील मोदी इंटरकास्ट मैरिज का किस्सा जिसमें उस टाइम के रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी डायरेक्ट पहुंच गए और उन्हें बीजेपी का नेता चुन लिया। अब बात करते हैं उनके इंटरकास्ट मैरिज का किस्सा। मिस्टर सुशील मोदी छात्र आंदोलन के लिए मुंबई जा रहे थे किसी सभा में शामिल होने के लिए। तो उस टाइम पे बिहार से मुंबई जाने के लिए ट्रेन था, ट्रेन की सुविधा थी और छात्र नेता थे तो उन्हें ट्रेन से ही जाना था। उस टाइम पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो ट्रेन से जाने के संबंध में मुंबई जाने के ट्रेन के क्रम में उनके सीट के बाजू में उनकी होने वाली पत्नी से उनकी मुलाकात हो गई जो थी मुंबई में एक स्कूल में टीचर थी। किसी कार्यक्रम के लिए वो जम्मू एंड कश्मीर जा रही थी। फिर सिलसिला बढ़ता गया, फिर एक टाइम आकर दोनों एक संबंध होकर शादी रचा लिया जिसमें दिल्ली से पीएम अटल बिहारी आए और उन्हें बीजेपी का दामन थमाया। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। बिहार का एक बाका नौजवान, मुंबई की एक रोमन कैथोलिक लड़की, दोनों ट्रेन में मिलते हैं और मुंबई से दिल्ली के बीच की 1400 किलोमीटर की दूरी इनकी जिंदगी बदल देती है। आपको भले ही सुनने में ये कोई फिल्मी कहानी लग रही हो लेकिन ये एक रियल लव स्टोरी है, प्रेम कहानी सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज की। ये बात सन 1985 की है। 1985 की गर्मियों में सुशील मोदी जेसी जॉर्ज से एक ट्रेन यात्रा के दौरान मिले थे। उस वक्त सुशील मोदी पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य भी थे और इसी सिलसिले में उन्हें कई यात्राएं करनी पड़ती थीं। वहीं जेसी जॉर्ज हिस्ट्री में पीएचडी कर रही थीं और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक कश्मीर ट्रिप पर निकली थी। इसी दौरान दोनों मिले। द टेलीग्राफ को दिए अपने एक इंटरव्यू में सुशील मोदी उस यात्रा को याद करते हुए बताते हैं कि हम लोग सेकंड क्लास बोगी में थे, उनकी ऊपर वाली बर्थ थी मेरी नीचे वाली और हमारी बातचीत शुरू हो गई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को भा गए। दोनों की बात आगे बढ़ी, एक साल के भीतर ही दोनों एक दूसरे को पत्र लिखने लग गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सामने खड़ी थी धर्म भाषा और रीति रिवाज की दीवार जिसे मिटाना बहुत ही मुश्किल था। दोनों के घर वालों को जब इनके प्यार की खबर पता चली तो पहले तो इन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भड़क गए। दोनों को डर था कि कहीं ये प्यार विवाह की राह पर ना चल पड़े क्योंकि लड़का मारवाड़ी था और लड़की रोमन कैथोलिक और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन ये कोई मामूली या साधारण प्यार नहीं था, ये तो शिद्दत वाला प्यार था जिसे निभाने का कठोर निर्णय इन्होंने पहले ही ले लिया था। घर वाले तो मान गए लेकिन इनके प्यार में जो दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी सुशील मोदी का आरएसएस से जुड़े रहना। आरएसएस विवाहित पुरुषों को पूरी तरह से प्रचारक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं देता था। इस वजह से सुशील मोदी को आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में परामर्श लेना पड़ा जिसके बाद उन्होंने जेसी जॉर्ज से शादी की। सुशील मोदी ने आरएसएस का साथ छोड़ दिया और जेसी जॉर्ज के साथ 1986 में शादी कर ली। इस शादी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे लेकिन इसके बाद सुशील मोदी ने राजनीति से भी दूरी बना ली और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा और कुछ ही सालों में उन्होंने इसे बंद कर दिया।